Thank you.
Oh.
Oh.
मृत्यु बेला शुद्ध पवन है मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है मेरे लाडलो जागो। अखियां खोलो शिव शिव बोलो, अखियां खोलो शिव शिव बोलो, बच्चो आलस त्यागो, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है मेरे लाडलो जागो। मुरली के स्वर मधुर मिले हैं, मधुबन के भी फूल खिले हैं। मुरली के स्वर मधुर मिले हैं, मधुबन के भी फूल खिले हैं। धरती जागी अंबर जागा, धरती जागी अंबर जागा, तुम भी लाडलो जागो, मेरे लाडलो जागो, जागो जागो जागो। डाल डाल पर पंछी बोले, कानों में अमृत रस घोले। डाल डाल पर पंछी बोले, कानों में अमृत रस घोले। प्रभु मिलन का यही समय है, प्रभु मिलन का यही समय है, ब्रह्म मुहूर्त है जागो, मेरे लाडलो जागो, जागो जागो जागो। सोवत है सो खोवत है, जागत है सो पावत है। सोवत है सो खोवत है, जागत है सो पावत है। बाबा की प्यारी वाणी सुन, बाबा की मीठी वाणी सुन, प्यारे बच्चों जागो, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है मेरे लाडलो जागो। अखियां खोलो शिव शिव बोलो, अखियां खोलो शिव शिव बोलो, बच्चो आलस त्यागो, मेरे लाडलो जागो, मेरे लाडलो जागो, मेरे ला
लाडलो जागो, मेरे लाडलो जागो। Thank you.
बिंदु मत बिसरो मत बिसरो। शक्तिशाली बीज रूप स्थिति तक पहुंचेंगे। ड्रिल करेंगे, पहला ड्रिल साकारी आकारी निराकारी और अलंकारी। अपने स्थान पर बैठे बैठे ही हम इसकी प्रैक्टिस शुरू करेंगे। जहां भी आप बैठे हैं चलें इस रूहानी ड्रिल में साकारी। इस साकार देह के अंदर मैं चैतन्य ज्योति देखें। चमड़ी और हड्डियों के ढांचे के अंदर चलें। ये मेरा साकार देह, इसके अंदर भ्रिकुटी तख्त पर मैं चैतन्य मणि विराजमान हूं। शरीर अलग और मैं आत्मा अलग। अपने बुद्धि रूपी नेत्र से अपने स्वरूप को स्पष्ट रूप से देखें। इस शरीर के अंदर मैं चैतन्य ज्योति साकारी। अब देखें लाइट के शरीर के अंदर मैं आत्मा लाइट।
जैसे ट्रांसपेरेंट शरीर है मेरा, बिल्कुल लाइट का। उसके अंदर मैं चमकती हुई आत्मा ज्योति विराजमान। निराकारी। अब देखें, मैं बिल्कुल अपने निराकारी स्वरूप में केवल चमकती हुई आत्मा। ना साकारी देह, ना आकारी देह, केवल चमकती हुई मैं निराकार ज्योति। अलंकारी। देखें अपने आप को सजे सजाए देवता के रूप में और त्रिकुटी तख्त पर चमकती हुई ज्योति, मेरे अलंकारी स्वरूप में भी मैं अपने आत्म स्वरूप में साकारी। फिर से आ जाएं अपने इस साकार स्वरूप में। देखें साकार देह के अंदर मैं आत्मा ही रहा। जैसे ये शरीर लकड़ी का बॉक्स है और इसके अंदर मैं चैतन्य हीरा विराजमान हूं, मैं
मन से मनन और बुद्धि से विजन बिल्कुल स्पष्ट पूरी एकाग्रता के साथ साकारी जैसे मैं आत्मा करावन हार हूं, इस देह की मालिक हूं, सूक्ष्म और स्थूल कर्मेंद्रियों की मालिक, बैठे हूं त्रिकुटी तख्त पर, चलें अब आकारी दुनिया में, इस साकारी देह और साकारी दुनिया से परे आकारी दुनिया में पहुंच जाएं, सूक्ष्म वतन में, देखें अपने आकारी स्वरूप को वहां, और संपूर्ण फरिश्ते ब्रह्मा बाबा को भी अपने सम्मुख देखें। बाबा अपनी नजर से मुझे निहाल कर रहे हैं, अपनी शक्तियों से मुझे भरपूर कर रहे हैं। मैं अपने आकारी रूप में हूं, चारों तरफ आकारी फरिश्ते हैं, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, बाबा भी संपूर्ण आकारी फरिश्ता, बाबा से दृष्टि लेते अब उड़ चला मैं ऊपर, निराकारी निराकारी धाम में, देखें अपने आप को, अपने निराकार रूप को निराकारी धाम में, कैसा हूं मैं, कितनी सुंदर चमक है मुझ में, जैसे अपनी बीज रूप स्थिति में हूं परम धाम में। निराकार जैसे आकाश में सितारे चमकते हैं, वैसे परम धाम में भी आत्माएं चमक रही हैं। मैं भी खुद को देख रहा हूं एक बहुत सुंदर चमकते हुए
सितारे के रूप में, मेरा निराकारी स्वरूप। परम धाम की गहन शांति को मैं अनुभव कर रहा हूं। ये मेरा घर है। मैं अपने ओरिजिनल रूप में निराकार हूं। मैं यही हूं। सर्व गुणों से संपन्न, संपूर्ण पावन हो, सतो प्रधान हो। अलंकारी वहां से देखें, मैं ज्योति उतर आई सतयुग में और सजे सजाए देवता के रूप में देह में प्रवेश कर गई। मेरा देव रूप लेकिन भ्रिकुटी पर चमकती हुई ज्योति, यहां भी अपने स्वरूप को मैं देख रहा हूं। सिर पर डबल ताज, सर्व गुणों से संपन्न, शक्तियों से संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी मेरा देव रूप, अलंकारी रूप। और भ्रिकुटी पर चमकती हुई मैं आत्मा ज्योति, जाए साकारी रूप में इस साकार देह में भ्रिकुटी तख्त पर। अब दूसरी ड्रिल हम करेंगे, थोड़ी देर अपने स्वस्वरूप को देखेंगे और थोड़ी देर परम धाम में महाज्योति बाबा को, अपने बुद्धि रूपी नेत्र को एकाग्र करेंगे स्व पर और फिर सर्वशक्तिवान पर। चलें, आत्मा जैसे ये देह मेरी कुटिया, इस कुटिया के अंदर मैं चमकती हुई ज्योति,
जिससे चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल रहा है। अपने आत्मस्वरूप को देखें, स्थित हो जाएं। परम धाम में महाज्योति बाबा को देखें, यहां से बैठे बैठे ही जैसे बाबा अपना दिव्य प्रकाश, अपनी शक्तियां पूरे ब्रह्मांड में फैला रहे हैं। मैं अपने बुद्धि रूपी नेत्र से महाज्योति बाबा को देख रहा हूं। उनके दिव्य स्वरूप पर मेरी बुद्धि एकाग्र है। आत्मस्वरूप में मैं आत्मा सतो गुणे, जैसे सातों ही गुण सात रंग के किरणों के रूप में मुझसे चारों ओर फैल रहे हैं, देह से न्यारा, चैतन्य मणि, आत्मा, बिल्कुल अशरीरी, देह में होते हुए भी देह का भान नहीं, डिटैच, फिर देखें महाज्योति बाबा को परम धाम में, जैसे बाबा की शक्तियों की बरसात पूरी सृष्टि पर हो रही है। बाबा अपने प्रेम की, शांति की, शक्तियों की किरणें पूरे विश्व पर बरसा रहे हैं। मैं यहां बैठे बैठे उनके स्वरूप को देख रहे हूं। मेरे बाबा हैं, मेरे परम पिता हैं, मेरे संसार हैं, जिन्हें मैं अपलक निहार रही हूं।
आ जाएं अपने त्रिकुटी तट पर। और अब चलेंगे, अब तक यहाँ बैठ कर बाबा को देख रहे थे, अब बाबा के पास चलेंगे। चलें आत्मा बन, देह को यहीं छोड़ ऊपर की ओर यात्रा करेंगे। मैं आत्मा साकार सृष्टि से पार, सूक्ष्म वतन से पार पहुंच गए अपने परम धाम घर में, बैठ गई बाबा के पास। जैसे शांति के सागर बाबा अपनी शांति की किरणों से मुझे भरपूर कर रहे हैं, भरेंगे अपने अंदर ज्योति का महाज्योति से मिलन। शांति के सागर बाबा अपनी शांति की तरंगे किरणें मुझ में भर रहे। मैं आत्मा बिल्कुल अपनी बीज रूप स्थिति में गहन शांति का अनुभव कर रही हूं। बाबा से पवित्रता की किरणें भी मुझ में समा रही हैं, जैसे पवित्रता के सागर बाबा मुझ आत्मा में पवित्रता का बल भर रहे। बाबा की शक्तिशाली किरणों को मैं स्वयं में समा रहा हूं। आत्मा जैसी निहाल होती जा रही है, संपन्न होती जा रही शक्तिवान बाबा अपनी शक्तियां मुझ में भर रहे। जैसे शांति पवित्रता और शक्तियों की बरसात हो रही है मुझ पर, और मैं भी इनका मास्टर सागर बनता जा रहा हूं। परम धाम में अपने स्वरूप को स्पष्ट देखें, बाबा के स्वरूप को स्पष्ट देखें। बस मैं और बाबा, जैसे मेरे पिता सागर अपना सब कुछ मुझे प्रदान कर रहे हैं, मैं अपनी बिल्कुल शक्ति
शक्तिशाली बीज रूप अवस्था का अनुभव कर रहा हूं। आ जाएं विश्व ग्लोब के ऊपर, देखें मैं विश्व के गोले के ऊपर ज्योति आत्मा ऊपर परम धाम से बाबा अपने किरणें मुझ पर बरसा रहे हैं और मैं आत्मा बाबा से लेकर सारे विश्व ग्लोब की आत्माओं को दे रहा हूं। बाबा से मुझ में और मुझ ज्योति से होते हुए पूरे विश्व के गोले पर ज्ञान सूर्य बाबा से शांति की शक्ति के किरणें मुझ पर और मुझसे होते हुए ये शांति और शक्ति के किरणें पूरे विश्व ग्लोब पर लाइट हाउस माइट हाउस, जैसे लाइट हाउस चारों दिशाओं में प्रकाश फैलाता है, देखें अब अपने आप को एक ऊंच साधारण शरीर वाला नहीं, मैं बहुत ऊंचा हूं लाइट हाउस की तरह,
मेरे शरीर की लंबाई भी ऊंची। भृगुटी तख्त पर जैसे महाज्योति के स्वरूप में आत्मा, चमकदार आत्मा। और मुझसे चारों दिशाओं में लाइट माइट फैल रही है। मैं लाइट हाउस, माइट हाउस। अनुभव करें मेरी लाइट और माइट चारों दिशाओं में दूर दूर तक फैल रही है और सभी आत्माओं को ज्ञान का प्रकाश और आत्मिक बल प्राप्त हो रहा है। स्थित हो जाए, और फैलने दें अपनी लाइट और माइट को चारों दिशाओं में। जैसे समूचा विश्व प्रकाशित होता जा रहा है, सभी आत्माएं तृप्त और सुखी होती जा रही है। अब आ जाए कल्प वृक्ष की जड़ में। जैसे कल्प वृक्ष की जड़ में मम्मा बाबा आदि रत्न बैठे हैं, गहन तपस्या कर रहे हैं, पूरे कल्प वृक्ष को सकाश दे रहे हैं। बैठेंगे कल्प वृक्ष की जड़ में, भृगुटी पर चमकती हुई ज्योति, महातपस्वी, मैं राजयोगी, राज ऋषि, पूर्वज, आधार मूर्त आत्मा। अब बाबा से पुनः स्नेह और शक्ति की किरणें लेकर पूरे कल्प वृक्ष में फैलाएंगे। कल्प वृक्ष के तने से होते हुए जैसे हमारी स्नेह शक्ति शांति और पवित्रता की किरणें पूरे कल्प वृक्ष में जा रही हैं, तने में, डाल डालियों में, एक एक पत्ते तक। जाने दें, देखें सारा कल्प वृक्ष हरा भरा होता जा रहा है। हर आत्मा रूपी पत्ता शांत और सुखी होता जा रहा है। सभी का जीवन आनंद से परिपूर्ण होता जा रहा है। अपनी वंशावली को हम दिल से अपनी शुभ भावना और शुभकामना दें। सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सभी निरोगी हों, सभी सुखी हों,
सभी के बुद्धि का तार अपने पिता परमात्मा से जुड़ जाए, सभी के जीवन से कष्ट दूर हो। दिल से हमारी दुआएं फील करें, हमारी शुभकामनाएं कल्प वृक्ष के एक एक पत्ते तक जा रही है और हर एक मुरझाया हुआ पत्ता फिर से हरा भरा होता जा रहा है। पूरा कल्प वृक्ष पावन होता जा रहा है। सबको खुशहाल करके अब चलें अंत में पुनः अपनी बीज रूप अवस्था में बैठेंगे परम धाम में। चलें अपने निज धाम, जैसे इस संसार में अपने कर्तव्य को पूरा करके सबको सुखी बना के सबको मुक्ति जीवन मुक्ति की राह दिखा के मैं आत्मा चली वापस जहां से मैं आई, पहुंच जाए परम धाम में और बहुत डीप साइलेंस में अपने बीज रूप अवस्था में बाबा की छत्र छाया में उनके किरणों के नीचे बैठे। हे बाबा सबसे निराले वो संगम पर ही है आते, हे बाबा सबसे निराले वो संगम पर ही है आते, बनो संपन्न बच्चों हमें देते इशारे, अनुभव से है कहते बाबा का संदेश देते, बनाते स्वर्णिम चमन, बनाते स्वर्णिम चमन, उड़ चलो पार गगन, वही है अपना वतन।